अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आबिश फारूक, आई एम योर साइंस टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम गवर्नमेंट अक्सर मॉडल स्कूल। दिस इज़ आवर रीडिंग सेशन, यूनिट नंबर 2, पार्ट 1, पेज नंबर 8। दिस इज़ पेज नंबर 9, यूनिट नंबर 2, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ रीड, ऑब्जर्व योर बॉडी, डू ऑल द बोन्स मूव? नो, सम बोन्स आर मूवेबल एंड सम आर फिक्स। द बोन्स ऑफ आवर स्कल आर फिक्स इन आवर बॉडी। सम मसल्स आर अटैच टू बोन्स आर एज इन आवर आर्म्स। हाउ एवर अ फ्यू अदर मसल्स हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद बोन्स, लाइक द मसल्स ऑफ हार्ट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, लेट फाइंड आउट वॉट दे आर एंड हाउ दे वर्क। सो स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया अपनी बॉडी को कि कुछ क्या हमारी तमाम ही हड्डियाँ मूव करती हैं? नहीं, कुछ हड्डियाँ मूव करती हैं और कुछ फिक्स होती हैं। जैसे कि हमारी स्कल की हड्डी फिक्स होती है हमारी बॉडी में, कुछ मसल्स अटैच होते हैं हमारी बोन से, जैसे कि हमारे आर्म। इसी तरह से कुछ मसल्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बोन्स के साथ नहीं होता, जैसे कि मसल्स ऑफ हार्ट। मसल्स की 3 टाइप्स हैं, तो चलें हम देखते हैं कि वो कौन सी हैं और क्या काम करती हैं। सो स्टूडेंट्स, कम विद मी पेज नंबर 10, टाइप्स ऑफ मसल्स। ये टाइप्स हैं इसकी, ये वर्क है एंड ये एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज स्मूथ मसल। दिस मसल्स हैव अ वेरी स्मूथ यूनिफॉर्म अपीयरेंस व्हेन ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये वो मसल्स की टाइप हैं, जब इन्हें अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है तो इनकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म आती है, ठीक है, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म आती है। नाउ वर्क ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री हैज वी कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट। दिस मसल्स परफॉर्म एक्शन विदाउट अस थिंकिंग अबाउट दैम। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू अलाउ डाइजेशन एंड एस्क्रिएशन। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे कि जो हमारी थिंकिंग से कंट्रोल नहीं हो रहे होते, जैसे कि डाइजेशन, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड अदर। नाउ सेकेंड इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वर्क विद आवर बोन्स टू गिव अस स्ट्रेंथ। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडोंस। टेंडोंस आर 3 फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग मेड अप ऑफ टफ टिश्यूज। स्केलेटल मसल्स का काम क्या है? ये हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देते हैं, और ये किससे अटैच होते हैं? बोन्स से, मगर किसके साथ? टेंडोंस। टेंडोंस क्या होता है? जो बहुत ही पतली पतली और लचकदार स्ट्रिंग से बना हुआ होता है और बहुत सख्त टिश्यूज। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन एज वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट। आवर लेग वॉन्ट बैंड टू किक द फुटबॉल अनलेस वी वॉन्ट इट टू। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? जो हमारी थिंकिंग उसको कंट्रोल करे, जैसे कि हमारी टांग जो है वो जब तक किक नहीं करेगी, जब तक फुटबॉल को जब तक किक नहीं करेगी, जब तक हम उसको खुद से बैंड नहीं करना चाहें। नाउ 3 इज हार्ट एंड कार्डिक मसल्स। द हार्ट ऑफ और कार्डिक मसल्स मेक अप ऑफ हार्ट। कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड आउट एंड इन टू द हार्ट। इट ऑल्सो इनवॉलेंट्री एंड इट्स वर्क विदाउट अवर हेल्प। कार्डिक मसल्स भी ऑल्सो वर्क करता है इनवॉलेंट्री विदाउट हमारी हेल्प। कार्डिक मसल्स भी हमारे हेल्प के बगैर ही काम करता है, जैसे दिल, हार्ट बीट, तो ये हमारी हेल्प के बगैर, हमारी थिंकिंग के बगैर काम करता है, तो ये क्या है? कार्डिक मसल। नाउ पेज नंबर 11, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स लुक एट द बॉडी सिस्टम इन डिटेल। हमारा दिल कौन से मसल से बना है? कार्डिक मसल से। हमारा दिल जो है बहुत ही अहमियत कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस वाइटल बॉडी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, ब्लड विसल्स दैट कैरी ब्लड। लेट लुक एट दिस पार्ट बाय वन बाय वन। चले आए अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स को देखते हैं। देखें, ये जो बॉडी है इसमें ये जो है ये इसका हार्ट है, यानी कि ऐसे कर दी, ये जो है ये इनका हार्ट यानी दिल है। और ये जो देखें आर्टरीज, ब्लड विसल्स विद द रेड कलर, जो रेड कलर से हैं ये क्या है? आर्टरीज हैं। और जो ब्लू कलर से हैं ये क्या है? वेंस हैं, ठीक है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, आर्टरीज एंड वेंस। ये भी तो
रेड कलर की जो होती हैं वो आर्टरीज होती हैं, और ब्लू कलर की जो होती हैं वो वेंस। सो स्टूडेंट्स कम विद मी पेज नंबर 12, ब्लड। इट इज़ अ फ्लूड दैट मूव थ्रू ब्लड वेसल्स। अवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। हम ये ब्लड क्या है, जो एक बाहो है जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों में बहता है। हमारा ब्लड किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? प्लाज्मा पर, ब्लड सेल पर एंड प्लेटलेट्स पर। नाउ प्लाज्मा, प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इट कॉन्टेंट प्रोटीन, न्यूट्रीन एंड वेस्ट। प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, और ये किस पर कॉन्टेंट होता है? प्रोटीन, न्यूट्रीन एंड वेस्ट। रेड रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेड ब्लड सेल किस पर मुश्तमिल होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर हेल्पफुल इन इम्प्रूव अवर इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। वाइट ब्लड सेल हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, और ये हेल्पफुल होते हैं हमारा इंटरनल डिफेंस को इम्प्रूव करने में। प्लेटलेट्स हेल्प टू क्लॉट ब्लड व्हेन यू गेट इंजर्ड। जब हमें इंजर्ड यानी जब हम जख्मी हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स क्या करता है? खून को जमने में मदद करता है। सो ब्लड कंपोजिशन इन पर्संस, 1% क्या होता है? वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारी बॉडी में। 52 to 62% प्लाज्मा होता है। 38 to 48% रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एंड 1% लेस प्लेटलेट्स होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरा।